वडोदरा शहर में पहली बार श्री मेवाड़ जनसंघ के द्वारा वंदे मातरम हाउसी जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वडोदरा शहर में श्री मेवाड़ जनसंघ पिछले 12 साल से काम कर रहा है, जिसमें करीब 160 से 165 जितने परिवार शामिल है। देशभक्ति के तहत शहर में पहली बार वंदे मातरम हाउसी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बॉलीवुड के एंकर, एक्टर व डायरेक्टर अशोक बाफना खास तौर पर मौजूद रहे थे। इस कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए राजस्थान के बेनौल गांव के श्री नारायण लाल जी गुर्जर के परिवार को भी संघ के दाताओं के द्वारा बुलाया गया था और उन्हें 1 लाख रुपए राशि देकर सम्मानित किया गया। मेवाड़ जैन सर ने हमें यहाँ पे बुलाया है और मेरा नाम हेमलता गुर्जर है। मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ और मैं निवासी बिनौल की हूँ। 44 जवान शहीद हुए हैं पुलवामा आतंकी हमले में, उसमें नारायण लाल गुर्जर भी तैनात थे। कैसा माहौल था जब आपके पापा के साथ ये हुआ था? उन आतंकवादी को ख़त्म करेंगे तभी हम और खुश रहेंगे, तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। और वापस से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए, दूसरे को न बनाए। और 2000 के बदले 2000 के बदले में 4000 मारेंगे तभी हम खुश होंगे। और गोलीबारी में को कुछ भी हो तो ठीक है, लेकिन पीछे से वार कर देना वो कायरता है। इसलिए आतंकवादी को पीछे से वार नहीं करना था, इसलिए वो उनको पता नहीं था। आपको बड़ा होके क्या बनना है और आपकी इच्छा क्या है? मेरे को बड़ा होके आर्मी मैन बनना है और मैं उन आतंकवादियों का हमला लूंगी और उनको बताऊँ है ना, 44 के बदले 1000 मारूंगी, उनका बदला लूंगी। और मैं बड़ी होके आर्मी मैन भी जाना चाहती हूँ। किस प्रकार की सेवा करना चाहोगी? देश के लिए मैं आतंकवादियों को मारना चाहती हूँ, पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहती हूँ। ऐसे खड़े हो અમારા એટલે શ્રી મેવાડ જૈન સંઘ વડોદરા લગભગ 10-12 વર્ષથી અમે સમાજ ચલાવી રહ્યા છીએ, એમાં લગભગ 160-165 પરિવાર છે। અને આજે અમે જે વંદે માતરમ હાઉસીનો એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, રાખવાનું મેન કહેવાય કે એક દેશભક્તિના એક ગીતોમાંનું એક હાઉસી થઈ જાય એ વડોદરામાં મારા ખ્યાલથી પહેલી વખત થઈ રહ્યું છે। અને આ પ્રોગ્રામની અંદર અમારા રાજસ્થાનના મેવાડ પ્રાંતના બિંદોલ ગામના જે પૂર્વમાં પુલવામામાં જે શહીદ થયા હતા સૈનિકો, એમાં એક નારાયણ લાલજી ગુજર એ પણ જે શહીદ થઈ ગયા હતા, તેમની ફેમિલીને, એમના પત્ની, એમને બાળકોને, એમને ભાઈને અહીં બોલાવી અમે સ્ટેજ ઉપર 1 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપવાના છીએ। પરિચય આપો। મારું મુકેશ બડોલા, હું શ્રી મેવાડ જૈન સંઘ વડોદરાનો પ્રમુખ છું હાલમાં।